हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केपी व्लॉग्स एंड फूड। आज की वीडियो में हम फिर से एक नई रेसिपी ला रहे हैं जो कि चिकन की है। चिकन के लिए हमने पहले सरसों तेल को अच्छा गर्म कर लिया, फिर उसमें हमने तेज पत्ते को डाला और देन उसमें हमने प्याज को वॉश करके डाल दिया है। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तेज हम आँच को रखेंगे जिससे कि प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक उसको हम फ्राई करेंगे। धीरे धीरे टाइम टाइम पर उसे हम चलाते रहेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देन इसमें हमने मसाला जो घर पे प्रिपेयर किया है जो कि है अदरक लहसुन हरी मिर्च काली मिर्च और जीरे का पेस्ट, उसको हम ग्राइंड करके इसमें डाल देंगे और इसको हम चलाएँगे। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक मसाले अच्छे से भुन न जाए, जिससे मसाले में जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। मसाले को हम चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में जिससे कि वो तले में लगे ना। अब हम चिकन को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, देन चिकन को हम मैरिनेट करेंगे जिसमें कि हम उसमें दही मिला लेते हैं और नमक डाल लेंगे। देन उसमें हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर मिक्स कर लेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम 10 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी कढ़ाई के पास आते हैं, देखते हैं प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है और मसाले भी। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी। ध्यान रहे हमने मैरिनेशन के समय चिकन में भी नमक और हल्दी डाला हुआ है, तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसको हम चलाते रहेंगे ताकि वो तले में लगे ना। अब थोड़ी इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे कलर के लिए। आप देख सकते हैं मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें थोड़े थोड़े जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगे हैं। यही एग्जैक्ट समय है चिकन को डालने का। अब हम इसमें चिकन को डाल देते हैं। ध्यान रहे चिकन में दही मिला हुआ है, तो आँच को हमेशा धीमा रखें और इसे चलाते रहें जब तक कि ये अच्छे से मसालों के साथ कोल ना हो जाए। चिकन को हम अच्छे से मसालों के साथ कोट करने के बाद उसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ढक कर हम उसे टाइम टाइम पर निकाल के देखते रहेंगे कि वो अच्छे से फ्राई हो रहा है या नहीं, और उसे हम चलाते रहेंगे ताकि जो चिकन है वो तलवे में लगे ना, कढ़ाई के तले में लगे ना। अब देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है और हमने जो दही डाला था उसके जो घी है वो अलग हो चुका है, यानी कि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है या हो रहा है, थोड़ी कसर और बाकी है। अब इस टाइम पे हम इसमें चिकन के मसाले को मिक्स करके डाल देते हैं। चिकन मसाला डालने से इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा ही इन्हेंस हो जाता है। अब इसको हम डाल के चिकन के मसाले को और अच्छे से चलाएँगे और चला चला के इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर बाद फिर से इसे हम लिड लगा देंगे, ढक देंगे जो कि जो कसर इसका बाकी है पकने का वो पक जाए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है और हमारे जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम चला के देख लेते हैं कि वो चिकन जो है, आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया आई है। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं
और थोड़ी देर और उसे हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे। आप इसे रोटी या चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। लास्ट में हम इसे घर में प्रिपेयर किया हुआ गरम मसाला को मिक्स कर लेते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आए। आई होप आप सबको अच्छे से हमारा वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।